next one to keep quiet. Ma'am, please unmute yourself. Your mic is muted. Ma'am, your mic is muted. Is it okay now? Is it okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I was telling you yesterday we have discussed about we have started with the starting definitions of the chapter and the next definition in that series you write origin, write down coordinates of origin, what follows. Coordinates of origin 0, 0. Write down side by side and no talking at all. Coordinates of origin 0, 0. Coordinates of origin, they are 0, 0. Get a quiet. ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 0, 0. सक्षम अब देखो यस्टरडे आई टोल्ड यू हाउ टू प्लॉट द पॉइंट. कोई भी पॉइंट प्लॉट करना हो तो उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पे रख के अकॉर्डिंगली वी मूव विद द वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पे रखते हैं एंड देन वी मूव अकॉर्डिंग टू द वाई कोऑर्डिनेट. फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा. लिसन एंड सपोज आई एम हैविंग अ पॉइंट से 2, 0 एंड आई हैव टू प्लॉट इट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन. सी द फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट इज 2. That means you will keep your pencil or pen at the point 2. 2 point पे आपने pen pencil जो से भी आप pencil से आप plot कर रहे हो आपने 2 point पे जाके pencil को रख दिया. Now according to y coordinate we move. If the y coordinate is positive we move upward and if the y coordinate is negative we move downward. Y coordinate के accordingly हमारी movement होती है upward और downward. अब एक चीज ध्यान में दो कि अगर तो जैसे इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट इज 0
इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊपर जा ही नहीं सकते, ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं सकते। जीरो डिस्टेंस मीन्स कोई डिस्टेंस नहीं, इसका मतलब 20 पॉइंट यही वाला बन गया, इसी पे ही 20 हो गया। आप 30 ड्रॉ करोगे वो भी यहीं पे रह जाएगा। यू विल ड्रॉ 40, इट विल रिमेन ऑन दिस एक्सिस। सो यहां से आपने एक जो है पॉइंट लिखना है, एक ऑब्जर्वेशन आपने बनानी है, दैट द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे देखो द पॉइंट्स हूज, नेक्स्ट स्टार डालो, द पॉइंट्स हूज y कोऑर्डिनेट इज जीरो, द पॉइंट हूज y कोऑर्डिनेट इज जीरो lies on x-axis, the points whose y-coordinate is zero lies on x-axis, जिन पॉइंट अभी अभी बताती हूँ वो उस पर भी आ रहे हैं। सो जो पॉइंट, जिस पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट जीरो है, that point will lie on x-axis। जैसे पेपर में आ जाता है टू के पास पॉइंट आया 100, 0 और आपसे पूछा गया वेयर दिस पॉइंट विल लाई, यू विल आंसर दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो दैट पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, 100, 0 दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, 100 तक। इतना बड़ा पॉइंट आता नहीं है, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया। अच्छा, अगर आपके पास पॉइंट हो 7, 0 that is also on x-axis and even the negative, मान लो हमारे पास है, आप प्लॉट करना चाहते हो -3, 0 -1, -2, -3 ये भी कहाँ बैठा हुआ है x-axis पे, no doubt it is in the negative direction of x-axis but it lies on x-axis, so -3, 0 is a point which lies on x-axis। So, जो भी पॉइंट जिसका हमारे पास y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, दैट पॉइंट विल ऑलवेज लाई ऑन x एक्सिस। सपोज आई नीड टू प्लॉट द पॉइंट, मान लो सपोज मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 0.6 अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना है तो जो ये जीरो है, ठीक है, इसको आपने स्टार्टिंग जीरो से करनी है, जीरो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो आपने जीरो पे जाके रखा पेन को एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये, तो ये बना 0.6। सपोज आपने प्लॉट करना है 0.2, जीरो पे स्टार्ट किया, टू पे गए, दिस विल बिकम 0.2। सपोज आपने प्लॉट करना है 0.-5, तो यू विल गो इट लाइक दिस 0.-5। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दैट द पॉइंट्स जिनके एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हैं, दे लाई ऑन वाई एक्सिस। सो राइट डाउन द नेक्स्ट स्टार, द पॉइंट्स whose x coordinate is zero, the points whose x coordinate is zero, बेटे last bench point, the point whose x coordinate is zero will lie on y axis, the point whose x coordinate is zero will lie on y axis। सीधी सी बात, हमेशा we will think in the opposite way, in the opposite way I mean to say कि अगर x coordinate zero है तो point कौन सी axis पे, y axis पे, और अगर y coordinate zero है तो point कौन सी axis पे, x axis पे, always think in the opposite way, points which lies on x axis they are dash coordinate is zero, point which lies on x-axis their dash coordinate is zero, y coordinate is zero, points which lie on y-axis their dash coordinate is zero,
देयर एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और जो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट। जस्ट यू हैव टू थिंक इन द ऑपोजिट वे, आपने उल्टा सोचना है। अगर मैं कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछूंगी तो आपने ऐसा पॉइंट बता देना है जिसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अगर मैं कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट पूछूंगी, यू विल थिंक अपॉन और यू विल टेल मी दैट पॉइंट दैट कोऑर्डिनेट्स व्हिच 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 कोऑर्डिनेट इज जीरो। वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो? एक्स। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्टली वी विल प्लॉट एंड देन आई विल टेल यू दैट हाउ टू राइट इट। देखो जरा ध्यान से, बेटे कीप क्वाइट सक्षम, मैं बार बार वार्निंग दे रही हूँ तुझे, तेरा हम मुंह जो है वो मुड़ मुड़ के पीछे तुम करते हो। लुक एट द बोर्ड, लिसन। Suppose again and again you turn your face back. Look at the board. Listen. So suppose हमारे पास एक point है, let it be 2.3. ठीक है? Wear your mask. 1, 2, 1, 2, 3. This is 2.3. Point हमारे पास है 2.3. ये पॉइंट है हमारे पास, अभी समझो पहले बाद में बनाना। 2.3 इज अ पॉइंट, तो आपको पता है 2 मतलब ये वाला, इधर वाला डिस्टेंस, ये 2 है और ये क्या है 3, ये 3 है। दिस डिस्टेंस इज 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 3। अब इसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाऊंगी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ नहीं, मैं पहले समझाऊंगी फिर ड्रॉ करोगे। हेडिंग हमारी है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न that what x coordinate of the point represent geometrically and what y coordinate of the point represent geometrically. Yes boys, listen, you see this is the x coordinate of the point, this is y axis, this is 90 degree। इसका मतलब ये हुआ जो एक्स कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का, इट रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है ये कौन सा कोऑर्डिनेट बताएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। लिखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एरो डाल के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यू कैन वेरीफाई इट, this is 2 and this is distance from which axis? Y axis. And agar main y coordinate ki baat karun, you see on the board, this is the y coordinate 3 and this represent the distance from which axis? X axis. 3 jo hai
थ्री के डिस्टेंस के थ्रू अगर आप चलना शुरू करो तो आप कौन सी एक्सिस पे पहुंचोगे? एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस है? x एक्सिस से। राइट डाउन y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance from x-axis. अगर आप किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के अलोंग चलते हो तो वो डिस्टेंस देगा आपको कहां पे पहुंचाएगा? y एक्सिस पे। दैट्स why x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और अगर आप किसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के थ्रू चलना शुरू करते हो दैट विल मेक यू रीच ऑन x एक्सिस। सो y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। देखो इसमें भी उल्टा सोचने की बात है। x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। जैसे उधर था पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन x एक्सिस देयर डैश कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो। पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन y एक्सिस देयर डैश कोऑर्डिनेट जीरो, x कोऑर्डिनेट जीरो। Similarly, x coordinate represent perpendicular distance from y axis and y coordinate represent perpendicular distance from x axis. Is it clear? ये चीजें अगर जैसे मान लो पेपर में आपको आता है 5.3, what is the perpendicular distance of this point from x axis? What is the perpendicular distance of this point from x axis? 3, y coordinate, x axis से distance y coordinate, what is the perpendicular distance of this point from y axis? y axis, y axis से perpendicular distance x coordinate and x axis से perpendicular distance y coordinate। ये बात हमें याद रखनी है। एक चीज और बताना चाहूंगी, suppose the point that we have plotted is -2.3। अब आपको पता है कि आपने ऊपर आएगा -2.3 ये पॉइंट है। यू सी कि ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से अगर आप ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो कौन सी एक्सिस पे पहुंचते हो? वाई एक्सिस। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और ये कितना है? -2। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज, अभी बताती हूँ गलती हम क्या कर रहे हैं, अभी बताऊंगी। पहले आप लोगों ने सबने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज -2। So if we are looking at -2, we say that x y axis से perpendicular distance -2 और x axis से x axis के पर पहुंचने के लिए आपको ये distance travel करना पड़ा। ये क्या है? 3 है। तो x axis से perpendicular distance 3। बिल्कुल आपने figure के accordingly अगर आपको नहीं पता चलता आप सीधा याद रखो x coordinate perpendicular distance from y axis and y coordinate perpendicular distance from x axis। बट एक चीज आपने गलत बोली, यू आर सेइंग दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज -2। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी हैव टू सी द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो पेपर में दैट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2 units, नॉट -2। आपने कभी ये सोचा? कभी ये, आप नो डाउट अगर मैं मान लो मैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहती हूँ, आई सेड आई वॉक 2 किलोमीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर उधर वाले डायरेक्शन नेगेटिव है तो आई विल नेवर से दैट आई कवर -2 किलोमीटर, आई विल से आई कवर 2 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डिस्टेंस कभी कोई नहीं कहता कि मेरा घर मेरे स्कूल से -5 किलोमीटर पे है, राइट?
So distance is always positive. अगर negative coordinate भी है तब भी आप कहोगे distance इसका y axis से कितना है 2 units. In the negative, या साथ ही ये लिख सकते हो in the negative direction. But distance is always positive. तो दो बातें आपने याद रखनी है. अगर हमारे पास पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट हो तो x कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. इज इट ओके? एंड अगर हमारे पास पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट बोलो, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड इफ द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट इज 0. कृतिका आप इतनी अटेंटिवनेस से मुझे सुनती हो, पता नहीं आपके नंबर क्यों इतने कम आए पिछली बार, पढ़े नहीं थे. कम फर्क पड़ जाता है ना व्हेन यू सिट एट होम, वेदर यू आर इंटेलिजेंट और यू आर वीक और यू आर एवरेज स्टूडेंट, यू आर नॉट इन टच ऑफ स्टडीज इन दैट सेंस दैट यू आर देन व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल, राइट? पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं है, स्कूल आके भी हमारा वही हाल है, हमने बातें ही करनी है. चलिए anyhow, अब अच्छा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बच्चे कह रहे थे, बता दो क्या होते हैं. बता डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी कंसीडर देम देयर डेफिनेशन व्हेन वी आर ड्राइंग अ लाइन ग्राफ. लेट मी टेल यू हाउ. When we draw a line graph, then we are talking about dependent and independent variable. मान लो मैंने आपको एक relation दिया y is equal to 2x, where y represent money and x represent number of notebooks. Y represent money and X represent number of notebooks. आप क्या करोगे? X की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास Y की वैल्यू आती जाएगी. अगर नोटबुक एक है then money 2 rupees. X की वैल्यू 2 मतलब नोटबुक 2, money 4 rupees. X की वैल्यू 3 यानी कि number of notebooks 3, money 6 rupees. You might have noticed that जैसे जैसे मैं नोटबुक्स का नंबर चेंज कर रही हूँ मनी अपने आप ही चेंज होती जा रही है. इसका मतलब ये हुआ दिस मनी इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ नोटबुक्स. तो इसका मतलब वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट. और हमेशा याद रखना लाइन ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी विल टेक ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वी विल टेक ऑन वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड y एक्सिस पे डिपेंडेंट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 15.1. एक्सरसाइज 15.1. क्वाइट ऑल ऑफ यू, 15.1 एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे आपने हमने हिस्टोग्राम बार ग्राफ किया था, फर्स्टली वी डिड द क्वेश्चन इन विच वी स्टडीड द हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ एंड देन वी यूज्ड टू ड्रॉ. इसमें भी यही होगा, पहले हम लाइन ग्राफ को स्टडी करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे, देन वी विल यूज टू ड्रॉ, यूज हाउ टू ड्रॉ इट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर शोज the relation between time and temperature. Now it's your turn, the dosing. नहीं, आप बुक में से देख लो.
डिग्री सेल्सियस में टाइम टेम्परेचर दिया हुआ है एंड टाइम इज गिवन इन आवर्स ऑन एक्स एक्सिस. सो टाइम इज हियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट. एंड टेम्परेचर इज डिपेंडेंट वेरिएबल. चलिए नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे किंग क्यों लगाया है? क्योंकि सारे इंटरवल्स में गैप सेम है पर ये 0 से 34 का गैप इसके साथ मैच नहीं कर रहा. सो वी डिड इट किंग. वी हैव किंग डन. चलिए लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चंस आर ही इज आस्किंग अबाउट. What was patient का temperature दिया हुआ है different. सबसे पहले पूछा उसने 1 pm पे patient का temperature यहाँ से half line जाते हुए 36.5 degree Celsius. 1 pm पे आपने क्या करना है? सीधा अपने scale की help से 1 से line vertical और जो line यहाँ पे पहुंची उसको vertical इसके साथ join कर देना है. जो पॉइंट आएगा दैट विल बी द टेम्परेचर एंड इट कम्स आउट टू बी. जरूरी नहीं होता वैसे मैंने मतलब तरीका है कि ऐसे वन पे रखा स्केल यू डिड इट लाइक दिस. स्केल की हेल्प से आपने जब सीधी लाइन ड्रॉ करी ना तो यू विल गेट इट इज 36.5. Otherwise, you know, this kind of question, whenever it will be there, it will be on graph and you can count the line also. 5 lines are there, so it will be 36.5. Graph paper pe banega. Haan ji. Jab aapke paas graph paper hoga na bete, to 10 lines hongi total. 36 से 37 में 10 lines आ रही हैं. तो इसका मतलब 0.55 का गैप है. 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 6, 7, 8, 9 एंड 37. हर एक लाइन 0.5 रिप्रेजेंट कर 0.1 रिप्रेजेंट कर रही है. तो व्हेन यू विल काउंट 5 लाइंस यू विल गेट 36.5. ठीक है चलिए बी पार्ट देखो इसका. चलो विल कंटिन्यू टुमॉरो.